हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में एक और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर बात करने जा रहे हैं, और ये जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होगा बेस्ड ऑन ऑप्शन चेन एंड कैंडलस्टिक। अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग सिर्फ ऑप्शन चेन के बेसिस पे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर्म करते हैं, और बहुत सारे लोग सिर्फ कैंडलस्टिक या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर्म करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम ऑप्शन चेन और कैंडलस्टिक को एक साथ कंबाइन कर दे तो यहाँ पे क्या होगा, आपका एक एफएनओ डेटा और दूसरा प्राइस एक्शन दोनों को कंबाइन करते हुए अगर हम ट्रेडिंग सेटअप तैयार करते हैं तो यहाँ पे हमें एक परफेक्ट सेटअप मिलेगा, जिसमें हमें परफेक्ट एंट्री और एग्जिट पॉइंट मिलता हुआ दिखेगा विथ वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस। इससे क्या होगा, आपके ट्रेड का एक्यूरेसी लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीखते हैं, जिसमें हम ऑप्शन चेन और कैंडलस्टिक दोनों को यूज करेंगे। यहां पे हम चार्ट पे आ गए, और ये जो चार्ट है आपका अदानी पोर्ट्स का चार्ट है, जिसका हम 5 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट यूज करें। सबसे पहले यहां पे हम टाइम फ्रेम के ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ पे कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है, टाइम फ्रेम में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अगर आप इस स्ट्रेटजी को इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट यूज करना होगा, या फिर आप चाहो तो 15 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके बेसिस पे स्विंग ट्रेडिंग या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आप 1 आवर या फिर 4 आवर टाइम फ्रेम वाला चार्ट यूज कर सकते हैं, या फिर 1 डे वाला टाइम फ्रेम वाला चार्ट भी यूज कर सकते हैं। बस जो मैं आपको ट्रेडिंग सेटअप बताने जा रहा हूँ वो ट्रेडिंग सेटअप यहाँ पे सेम रहने वाला है, बस अगर आप जो भी ट्रेडिंग स्टाइल फॉलो करते हैं उसके हिसाब से आप टाइम में चेंजेस कर सकते हैं, टाइम फ्रेम में चेंजेस कर सकते हैं। क्यों हमने अदानी पोर्ट्स को यहाँ पे पिक किया, हमें वैसे स्टॉक का सिलेक्शन करना जो कि प्रीवियस डे आपका कहाँ पे हो, ऑप्शंस बैरियर लेवल के आसपास हो, यानी जहाँ पे ऑप्शंस चेन में जो क्रूशियल लेवल होता है उस लेवल के आसपास अगर हमें देखने को मिले तो वैसे स्टॉक्स को पिक करने की जरूरत है। जैसे यहाँ पे अगर हम अदानी पोर्ट्स की बात कर ले, हम यहाँ पे 6 दिसंबर 2022 की बात करने जा रहे हैं, और अगर हम यहाँ पे 5 दिसंबर की बात कर ले तो देख सकते हैं इसका जो हाई बना था उस हाईएस्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये बना था आपका 896.5 के आसपास। और अगर हम ऑप्शन चेन को देखते 5 दिसंबर को भी तो यहाँ पे जो ऑप्शंस बैरियर लेवल हमारे लिए बनता हुआ दिख रहा था वो था आपका 900 का, ये ऑप्शंस बैरियर लेवल के करीब था, इसको हम अपने वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हमें ट्रेडिंग पोजीशंस कब लेना, उससे पहले हम इसके ऑप्शन चेन को देखना चाहेंगे। अगर आप अदानी पोर्ट्स के ऑप्शन चेन को देखें तो देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी जो 900 है वो हमारा ऑप्शंस बैरियर लेवल के रूप में काम करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले हम कॉल साइड की तरफ देखते हैं, इधर लगभग हमारा 48 लाख के करीब हमें कॉल राइटर्स देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पे अगर हम एडिशन की बात करें तो आज 7 लाख के करीब कॉल राइटर्स का एडिशन हुआ है, और प्राइस इससे नीचे, मतलब ये लेवल आपका रेसिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिखेगा। अब यहाँ पे क्या काम हो सकता है, दो काम हो सकता है, ये लेवल सबसे पहले रेसिस्टेंस लेवल है, यहाँ से प्राइस आपका नीचे से ऊपर आके इस तरह से फिर से वापस नीचे लौट सकता है, यानी ये रेजिस्टेंस लेवल को रिस्पेक्ट कर सकता है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि प्राइस नीचे से ऊपर आया और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए ऊपर निकल गया, यानी यहाँ पे हमें काफी हद तक ब्रेकआउट देखने को मिल गया, यानी दोनों सिचुएशन हमारे सामने रहेगा। लेकिन हमें जो ट्रेड करना वो 900 के आसपास ही हमें ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करना, चाहे हमें इसके लिए बाई करना पड़े या फिर सेल करना पड़े, इसलिए हम इस लेवल को फाइंड करेंगे, और जब प्राइस आपका इस लेवल के करीब आएगा तो हम इसको वॉचलिस्ट में ऐड करेंगे, और इस लेवल को टच करते ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करेंगे, हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। और इस साइड अगर हम पुट साइड की तरफ देखें तो सिर्फ हमें 16.7 लाख के करीब पुट राइटर्स देखने को मिल रहे, और जो एडिशन हुआ वो भी सिर्फ 1.5 लाख करीब हुआ, पुट राइटर्स है लेकिन बहुत कम है, लगभग इसके ट्रिपल से भी ज्यादा अमाउंट में हमें कॉल राइटर्स देखने को मिल रहा है, इसलिए इस रेजिस्टेंस लेवल हर्डल को ब्रेक करना मुश्किल है। फिर भी यहाँ पे हम अपने आप को दोनों साइड के लिए तैयार करेंगे। यहाँ पे हम 6 दिसंबर को देखते हैं ये 900 करीब आया है कि नहीं आया, ये नीचे ओपन हुआ है, यहाँ पे हमारे काम का कुछ नहीं है। अब प्राइस यहाँ पे ऊपर आया और 900 के करीब आया, अब जैसे ही 900 करीब आया हम यहाँ पे सुपर एक्टिव हो जाएंगे, अब देखेंगे कि 900 को ये रेजिस्टेंस के रूप में ट्रेड कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब यहाँ पे क्या हुआ, लॉन्ग टेल एट द टॉप, और अगर हम इस कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें तो ये आपका जो कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन किया हुआ है आपका शूटिंग स्टार, बाकी अगर आपको नाम याद नहीं है तो सिंपल याद करना टेल किधर है, लॉन्ग टेल एट द टॉप, दैट मीन्स टू यहाँ पे जो बायर्स हैं वो क्या हुए हैं, वो कमजोर हुए हैं,
और इसके साथ साथ जो सेलर्स हैं वो यहाँ पे काफी हद तक स्ट्रांग होते हुए दिखे। तो यहाँ पे हमें एक स्ट्रांग रेड कैंडल चाहिए, एक रेड कैंडल मिला और इस वाले रेड कैंडल, अगले रेड कैंडल ओपन होते ही हम सेल साइड की तरफ ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करेंगे। ये हमारे लिए एसएल के रूप में काम करेगा और प्रीवियस जो भी लोएस्ट पॉइंट है टारगेट प्राइस के रूप में काम करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहीं से प्राइस आपका ऊपर लौटा है, हमारा एसएल को हिट नहीं किया, फिर से इस लेवल करीब आया, तो हम ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे, इसी के आसपास हम एग्जिट करेंगे। यानी यहाँ पे हमारा जो एग्जिट पॉइंट बनता हुआ दिखेगा 894 के आसपास और हम जो सेल साइड की तरफ एंट्री ले रहे हैं 899.65 के करीब। यानी यहाँ पे एनी हाउ हमें 5 पॉइंट का प्रॉफिट मिलता हुआ दिख जाएगा। और अगर हम ऑप्शंस में भी ट्रेड करते हैं तो लगभग 2-3 पॉइंट का प्रॉफिट हमें ऑप्शंस में भी मिल जाएगा, जो भी सफिशियंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा। यानी एनी हाउ हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिला और उसके बाद प्राइस देखिए आपका एक पर्टिकुलर रेंज में मूव किया है, तो यहाँ पे हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्राइस में ज्यादा मोमेंटम नहीं है, फिर भी यहाँ पे हम एक सटीक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूज किए हैं। इसके बेसिस पे ऑप्शन चेन और कैंडलस्टिक पैटर्न, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिल गया। लेकिन अगर आप दोनों में से किसी एक को भी यूज करो तो यहाँ पे चांसेस है कि आपको नुकसान हो सकता है। तो ऐसे ही आपको ट्रेडिंग पोजीशंस और ट्रेडिंग सेटअप तैयार करने की जरूरत है। वहीं अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर चार्ट पैटर्न या फिर एफएनओ के बारे में डिटेल से स्टडी करना सीखना है तो उसके ऊपर हमने एक स्पेशल सा कोर्स डिजाइन किया है। उसके लिए आपको हमारा मोबाइल ऐप इक्विटेड कम्युनिटी को डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, नहीं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां पे भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और विजिट करके देखिए। अगर आपको कोर्स पसंद आता है तो आप उसको इनरोल कर सकते हैं। और हमने कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया है कि आप एज अ इंडिपेंडेंट ट्रेडर के रूप में काम कर सकते हैं और आप स्टॉक मार्केट में अपना पार्ट टाइम कैरियर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट एग्जांपल पे आना चाहेंगे। अब अगला एग्जांपल जो है वो है आपका IEX यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। अब यहाँ पे भी हमने इसको क्यों ऐड किया, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन देख सकते हैं इसने जो क्लोजिंग दिया है आपका 150 के करीब ही क्लोजिंग दिया, और 150 क्या था हमारे लिए एक ऑप्शंस बैरियर लेवल था। यानी ऑप्शन चेन की अगर हम बात करें तो वहां पे एक क्रूशियल लेवल हुआ करता था, प्राइस इसके ऊपर था, मतलब ये लेवल काफी हद तक हमारे लिए सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिख रहा था। वहीं अगर हम इसके ऑप्शन चेन को देखें तो यहाँ पे आप क्लियर कट देख सकते हैं, ये है आपका 150 का स्ट्राइक प्राइस। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे पुट राइटर्स हमें अच्छे खासे अमाउंट में इससे पहले दिख रहे थे, लेकिन आज क्या हुआ, ये जो लेवल था वो हमारे लिए सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिख रहा था, लेकिन प्राइस आया इसको ब्रेक करके नीचे साइड की तरफ चला गया। अब जैसे ही प्राइस इसको ब्रेक करके नीचे साइड की तरफ गया, मतलब यहाँ पे हमारा सपोर्ट लेवल जो है वो ब्रेक हो गया, मतलब यहाँ पे हम सेल साइड की तरफ ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करेंगे। अब यहाँ पे हमें ये पकड़ के नहीं बैठना है कि सपोर्ट लेवल रिस्पेक्ट होगा तभी हम ट्रेड लेंगे, यानी सपोर्ट लेवल से रिवर्सल लेगा तभी हम ट्रेड लेंगे, हमें सपोर्ट लेवल से कोई इफेक्शन नहीं है, ये रिस्पेक्ट हो या ना हो हमें ट्रेडिंग पोजीशंस यहीं पे इनिशिएट करना है, क्योंकि यहां से अगर रिवर्सल लेगा फिर भी हमें मार्केट मोमेंटम देखने को मिलेगा, और अगर इसको ब्रेक करके प्राइस नीचे जाता है फिर भी यहां पे हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा। और यहां पे चेंजेस क्या हुआ, कॉल साइड की तरफ अगर हम देखें तो लगभग आपके 95 लाख के करीब कॉल राइटर्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि लार्ज क्वांटिटी में है, और ये हमें दिखा रहा है कि प्राइस अब इसके नीचे ही रहने वाला है। तो यहाँ पे हम काफी कॉन्फिडेंस के साथ सेल साइड की तरफ ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। ऑप्शन चेन हमें क्लियर कट यहाँ पे सेल साइड की तरफ जाने के लिए हरी झंडी दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम इसके चार्ट पे आना चाहेंगे। अब देखिए कैंडलस्टिक में भी हमें क्लियर कट स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे लॉन्ग वेट कैंडल के साथ प्राइस को ब्रेक किया जा रहा है। और यहाँ पे एक और चीज हुआ है, अगर आप गौर से देखेंगे तो इस कैंडल का जो पहला कैंडल है, जो इसका ओपनिंग पॉइंट है, वही इसका हाईएस्ट पॉइंट भी बना है। यानी यहाँ पे आपका ओपन इक्वल टू हाई क्राइटेरिया को भी फॉलो किया है, और मैंने कई वीडियो में बताया कि जब भी ऐसा हो स्टॉक्स निफ्टी या बैंक निफ्टी में जो हाई बना है उससे थोड़ा सा ऊपर एसएल रखना है और आपको सेल साइड की तरफ ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करना। पहला कैंडल छोड़ देंगे, दूसरा कैंडल भी आपका ओपन हाई क्राइटेरिया फुलफिल किया है, तो हम इस लेवल के आसपास सेल साइड की तरफ एंट्री लेंगे। ये जो पॉइंट है हाईएस्ट पॉइंट एसएल के रूप में काम करेगा, फिर हम डाउन साइड मूव के लिए जाएंगे। और यहाँ पे जो हम सेल साइड की तरफ जा रहे हैं 150 के आसपास सेल साइड की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पे जो हमारा टारगेट प्राइस होगा वो लेवल्स के बेसिस पे 149 और 148 के करीब रख सकते हैं, या फिर प्रीवियस स्विंग लो भी रख सकते हैं। फिर ग्रेजुअली प्राइस नीचे गया और 148 के करीब आते ये आपका एक रेंज में मूव करना लग गया, तो हमें अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिल गया यहाँ पे एग्जिट करने का। और एग्जिट करके यहाँ पे हम 2 पॉइंट, दैट मीन्स टू लगभग हम यहाँ पे 1.5% के आसपास आसानी से प्रॉफिट बना सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, यानी
150 के पुट ऑप्शंस को बाई करते हैं या फिर इससे ऊपर के पुट ऑप्शंस को बाई करते हैं, फिर भी यहाँ पे आपको आसानी से अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता हुआ दिख जाता है, क्योंकि इसका लॉट साइज हमें ज्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम परसेंटेज में बात करते हैं, इस बेसिस पे भी लगभग यहाँ पे आपको 2% to 3% जो भी कैपिटल आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा उतना रिटर्न आपको ऑप्शंस में आसानी से मिल जाता है। तो ऐसे ही आपको दो चीज फॉलो करना है, सबसे पहले यहाँ पे हमें ऑप्शन चेन फॉलो करना है और उसके साथ हमें कैंडलस्टिक देखना है। जब तक दोनों तरफ से हमें इंडिकेशन नहीं मिल जाता है तब तक हम ट्रेडिंग पोजीशंस नहीं इनिशिएट करेंगे, ट्रेड सेटअप नहीं तैयार करेंगे। यहाँ पे देखिए ओपन हाई बना है और कैंडलस्टिक भी हमें क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है कि आप सेल साइड की तरफ जा सकते हो और यहाँ पे हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए सेल साइड की तरफ जाएंगे और प्रॉफिट बना सकते हैं। अब ये तो सारे स्टॉक्स हो गए जो कि ऑलरेडी मूवमेंट दे दिए हैं, अब मैं कुछ स्टॉक्स आपको दे रहा हूँ जो कि आपका ऑप्शंस बैरियर लेवल के करीब है। सबसे पहले अगर हम L&T की बात कर लें तो L&T में अगर हम ऑप्शन चेन को देखोगे तो लगभग आपका 2100 के आसपास आपका एक ऑप्शंस बैरियर लेवल है। मैं L&T के ऑप्शन चेन को भी आपको दिखाना चाहूंगा, देख सकते हैं ये आपका L&T का ऑप्शन चेन है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो देख सकते हैं 2100 के आसपास कॉल साइड की तरफ देखें तो लगभग हमें 9.5 लाख के करीब कॉल वाइटर्स देखने को मिल रहे हैं और पुट साइड की तरफ सिर्फ हमें 2 लाख के करीब पुट वाइटर्स देखने को मिल रहे हैं। मतलब ये आपका एक ऑप्शंस बैरियर लेवल है जो कि आपका काफी हद तक रेसिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिख रहा है। तो अब हमें देखना है कि इस रेसिस्टेंस लेवल को रिस्पेक्ट करता है कि नहीं करता है, और अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को रिस्पेक्ट किया तो हम ट्रेडिंग सेटअप तैयार करेंगे, नहीं भी किया फिर भी हम ट्रेडिंग सेटअप तैयार करेंगे। जैसे प्राइस अगर आपका 2100 के आसपास आता है तो हमें क्या देखना है कि यहां से रिवर्सल ले सकता है या फिर इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा, तो दोनों जगह हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। आप नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशंस बोल सकते हैं कि यहां पे आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिला या नहीं मिला, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ये स्टॉक्स को आपको वॉच करना है। उसके बाद यहां पे अगर हम बात करें अगले स्टॉक्स की वो है आपका एक्सिस बैंक, इसके भी हम 5 मिनट टाइम फ्रेम को यूज किए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ऑप्शंस बैरियर लेवल है वो है आपका 900 के आसपास, जिसको ऑलरेडी ये ब्रेक करके ऊपर निकल गया है। तो इस स्टॉक्स को भी अपने वॉच लिस्ट में ऐड रखना है। अब इसमें ट्रेडिंग सेटअप कब तैयार करना है, जब इसके करीब यानी यहाँ से अगर ये नीचे साइड की तरफ आता है, इसके करीब आता है, तो ये जो लेवल है सपोर्ट के रूप में काम करेगा। दो काम हो सकता है, सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर जाएगा या फिर इसको ब्रेक करके नीचे आएगा। अगर इसके करीब आता है तो यहाँ पे हम ट्रेडिंग सेटअप तैयार करेंगे, ट्रेड करेंगे। अगर यहीं से ऊपर चला जाता है तो हमें कुछ नहीं करना, इसको छोड़ देना है, इसको अवॉइड करने की जरूरत है। तो ऐसे ही आप एक्सिस बैंक और L&T को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। सो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो मिस ना करें। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।